परमेश्वर ने स्वर्ग बनाकर अपना सिंहासन वहां लगा दिया ताकि स्वर्ग दूत उनकी आराधना कर सकें, धरती पर एडम और ईव से हर दिन मिलना, फिर मिलाप का तंबू, जेरूसलम में अपना भवन बना लेने की आज्ञा और फाइनली प्रभु यीशु का आना और उनके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास करना सब परमेश्वर की हमारे साथ नजदीकी का रिश्ता रखने के चिन्ह है। ये रिश्ता हम प्रेयर्स के द्वारा रखते हैं और जो प्रभु यीशु ने मनुष्य जीवन में किया हम भी करें। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने योहन्ना नबी की इंजील उसका 17वां अध्याय पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र को महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। पुराने नियम में अलग अलग लोगों की प्रार्थना है और प्रभु यीशु ने एक आदर्श प्रार्थना देने के बाद अपनी प्रेयर को भी लिखवा दिया। हमें इन सब में किस तरीके को फॉलो करना चाहिए? पहला शमूएल पहला अध्याय 13-15 आयत में हाना की प्रेयर है। हाना का होंठ तो हिलते हैं क्योंकि उसने अपनी आत्मा अपना प्राण उंडेल दिया परमेश्वर के सामने। पहली को वो कह देती है, प्रार्थना हम करते क्यों हैं? ताकि परमेश्वर के मन को हम जान सकें और उन अपना मन उनके सामने खोल सकें। उत्पत्ति 18 में अब्राहम की प्रेयर है, निर्गमन 32 में मूसा की प्रेयर है, पहला राजा 8वें अध्याय में राजा सुलेमान की प्रेयर है, पति 6 में 9-13 तक प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु मार्कुस 1:35 में सवेरे सवेरे उठकर प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। लूका 6:12 में सारी रात वो पर्वत प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन उनकी जो लिस्ट की गई प्रेयर है वो सिर्फ योहन्ना 17 में है। उत्पत्ति 3:8 आयत में हम देखते हैं, आदम और ईव से हर दिन परमेश्वर मिलने आते हैं ताकि वो उनकी आराधना कर सके, उनकी हजूरी में बैठ सके। पहला योहन्ना 4:8 आयत में लिखा गया, परमेश्वर प्यार है और वो अपना प्यार जाहिर करते हैं हमारे साथ फेलोशिप मिलने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। यकूब 4:8 आयत में यकूब कहते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाओ तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएंगे। और यही एसेंस है परमेश्वर के साथ जुड़ने का, यही उनके साथ मिलने का है। मत्ती 6:11 में प्रेयर है, उसमें कहा गया है, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज की हमारी रोटी हमें दे। निर्गमन 16:19-20 में मूसा को आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, मन्ना हर रोज कलेक्ट किया जाएगा ताकि वो हर रोज जाएं, सिर्फ सबत वाले दिन 2 दिन का लेना था। अगर वो 2 दिन का इकट्ठा करके रख लेते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। यही है, अगर हम संडे के संडे क्रिश्चियन हैं तो जो हमारे पास आत्मिक भोजन है वो स्टेल हो गया है, हमें हर रोज उनसे ये पाना है, यही परमेश्वर हमें सिखाते हैं। प्रार्थना का सही पोस्चर क्या है? निर्गमन 33:10-11 में मूसा जब टैबरनेकल में घुस जाता है तो महिमा का बादल उतर आता है, परमेश्वर उससे आमने सामने बात करते हैं जैसे अपने एक मित्र से करते हैं, वो इनफॉर्मल मीटिंग होगी। मत्ती 18:3 में प्रभु यीशु ने सिखाया, तुम बच्चों की तरह बदल जाओ नहीं तो उसके बिना तुम स्वर्ग राज्य में शामिल नहीं हो सकते। बच्चा अपने पिता के पास जाता, वो ये नहीं देखता मैंने क्या पहना क्या है, वो पहुंच जाता है पिता के पास इस विश्वास में कि वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। यहूदी लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, हाथ ऊपर की तरफ उठाते थे। भजन संहिता 95:6 और दानियल 6:10 आयत में भी यही लिखा गया कि उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए। एलिया नबी ने पहला राजा 18:42 आयत में झुककर अपना मुंह घुटनों के बीच में दे लिया प्रार्थना करने के लिए। लूका 6:12 में प्रभु यीशु पर्वत पर गए प्रार्थना, सारी रात प्रार्थना करते रहे।
अब ये सारी रात प्रार्थना करना, नीलिंग पोजीशन में बैठना मुश्किल है। एक बच्चे की तरह जब हम जाते हैं तो फिर कोई पॉस्चर नहीं है, कुछ नहीं है, मन में ये है मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं, फिर कोई पॉस्चर किसी तरह कुछ नहीं होता है। हमें प्रभु यीशु की तरह ये सीखना है कि वो स्वर्ग में हमारे इंटरसेस्टर हैं, जो रोमियो 8:26 में लिखा गया है। और हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता को कर रहे हैं, और दो मेंबर जो हैं होली ट्रिनिटी के, प्रभु यीशु हमारे लिए इंटरसीड करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना यहां करते हैं। जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना हमें करनी सिखाई मत्ती 6 में, वो ये है कि हम परमेश्वर से आराधना, परमेश्वर से जुड़े, उनके सामने प्रार्थना करें, उनका नाम माने, उनके नाम को महिमा मिले और उनके राज्य को के बारे में हम जाने, हमसे बुराई को वो दूर रखें। प्रभु यीशु का जब मिशन पूरा हो जाता है तब वो स्वर्ग की तरफ आंखें उठाते हैं और फिर उनके सामने वो प्रार्थना करते हैं। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि अपने प्राण को, अपने सोल को उनके सामने उन्हें उंडेल दिया, जैसे कि मरने जैसा इंसान हो जाता, इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना की। और ये जीत की प्रार्थना है, डर या घबराहट की नहीं है, और हमें भी उसी प्रकार जीत में चलकर ही प्रार्थना करनी है, तभी हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। प्रभु यीशु की प्रेयर से हमारे लिए, अपनी प्रेयर के लिए क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रार्थना में प्रभु ने क्या कहा वो तो अहमियत रखता है, लेकिन उनके माइंड और हार्ट में उनका एटीट्यूड कैसा था वो ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसी एटीट्यूड के कारण ही उन्होंने स्वर्ग में जाकर हमारे लिए मध्यस्थता करनी, इंटरसेसर बनना है। हम जब प्रेयर करते हैं तो कहते हैं आवर फादर इन हेवन, है हमारे बाप जो आसमान में है, लेकिन जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना की वो इसलिए इस तरह की नहीं है जैसे एक जो नीचे है वो किसी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है, ये को इक्वालिटी है, दोनों बराबर हैं, जो बोल रहा है प्रार्थना कर रहा है वो और पिता दोनों बराबरी में हैं। और ये भी नहीं है कि पिता को उसने अपनी तरफ मोड़ना है इसलिए प्रार्थना है, ये जो होली ट्रिनिटी है उसका पर्पस डिफाइन करती है ये प्रार्थना, कि होली ट्रिनिटी का काम है, क्यों है वो। और ये प्रार्थना है जब समय आ गया, प्रभु यीशु कहते हैं द आवर हैज कम, उस काम को पूरा करने के लिए जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया, ताकि वो पिता परमेश्वर की महिमा करें। महिमा है पुत्र की सलीब पर चढ़ाए जाना, उनका दोबारा जी उठना और फिर उनका स्वर्ग में दोबारा उठाया जाना। जो लंबा समा शुरू होता है गेत्समनी पार्क की प्रार्थना से, उनका अरेस्ट किया जाना, यहूदी जो लीडर हैं उनके द्वारा उनको मिसट्रीट किया जाना, बुरा बर्ताव करना, स्कूर्जिंग, उनके वो कोड़े मारे जाने, स्लीप पर चढ़ाया जाना और कब्र में जाना और जी उठने तक, ये सारा कुछ जितना समय है ये, उसे वो से एक घंटा कह देते हैं, आर एस का मन आर। इस प्रार्थना के तीन बेनिफिशरी हैं, तीनों को लिए है ये, तीन लोगों के लिए। पहला प्रभु यीशु अपने लिए करते हैं, दूसरी प्रार्थना है वो जो 12 चेले उनके लिए करते हैं, फिर तीसरा पार्ट है उन लोगों के लिए जो 12 चेलों की और उसके आगे वालों की बात सुनकर प्रभु यीशु में विश्वास में जुड़ते हैं। पहले प्रभु यीशु अपनी जरूरत को डिफाइन करते हैं और फिर वो कहते हैं जो टास्क उन्हें दिया गया था और उसके लिए ये प्रार्थना की जा रही है। परमेश्वर से जो महिमा मांगते हैं वो अपनी कोई खुद के लिए सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं। यूहन्ना 11:4 में यही जाहिर होता है जब लाजरस की बीमारी के बारे में उन्हें पता चलता है, वो कहते हैं पिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए पुत्र के द्वारा, इस इवेंट के द्वारा भी, लाजरस की बीमारी के द्वारा भी। और फिर वो कहते हैं जो सोर्स है अनंत काल का जीवन वो कौन सा है, क्योंकि वो आए तो है अनंत काल का जीवन हमें देने के लिए। उत्पत्ति 3:7-8 आयत में हम देखते हैं आदम और ईव परमेश्वर से छुप जाते हैं और फिर वो अपने आप को पत्तों से ढकने लग जाते हैं। अपने आप में छिपना परमेश्वर से, यही अनंत काल की मौत है, यही इटर्नल डेथ है। और क्योंकि वो परमेश्वर का जो ज्ञान है उससे वंचित हो जाते हैं,
योहन्ना 17 की दूसरी तीसरी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र ने अनंत काल के जीवन को डिफाइन कर दिया। वो डिफाइन क्या करते हैं, वो कहते हैं अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत काल का जीवन है परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु को जानना जिसे परमेश्वर ने भेजा था। जब वो पहली प्रार्थना जब वो करते हैं विश्वास से भरे हुए, तो वो क्लेम करते हैं। क्लेम क्या है, वो महिमा जो मेरी आपके साथ थी इस दुनिया के बनाए जाने से पहले से, वो महिमा मुझे चाहिए। वो अपने आप को वहां पर कह देते हैं मेरा आपके साथ अनंत काल का रिश्ता है और मैं भी परमेश्वर हूं आपके साथ। फिलिपियों की पुस्तक 2:7 में सिर्फ वही ये मांग सकते थे क्योंकि उसमें लिखा है उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया उस महिमा से इंसान बनने के लिए। फिर वो दूसरा बेनिफिशियरी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा बेनिफिशियरी है चेले, 12 चेले। उन्होंने जितना वो एनकरेज कर सकते थे डिसाइपल को, जितना सिखा सकते थे, वो सब उन्हें सिखा दिया। अब जब उनका अलग होने का समय आता है और चेले उनके छोड़कर भाग जाते हैं, तो फिर वो उन चेलों को पिता परमेश्वर की आशीष भरे हाथों में देते हैं, टेंडर एंड लविंग केयर उसमें डाल देते हैं। इसमें क्या मांगते हैं, पहला है 6:8 में पहले कहते हैं मेरा मिशन क्या था और जो मैंने सिखाया और चेलों के रिस्पांस क्या है। परमेश्वर का वचन कहते हैं मैंने दे दिया इन्हें और इन्होंने ये पा लिया है। मिशन था देना वचन, उनकी रिस्पांस थी उन्होंने पा लिया है। अब दूसरा प्रार्थना, वो कहते हैं इस प्रार्थना का कारण क्या है जो चेलों के लिए वो मांगते हैं। 9:10 में वो कहते हैं पिता ये आपके थे और आपने मुझे दिए हैं ये, और इन्हें आपकी केयर की जरूरत है क्योंकि मैं अब इनके साथ नहीं होऊंगा, इसलिए वो चेलों को पिता के हाथों में देते हैं। तीसरा है जो पहली रिक्वेस्ट है चेलों के लिए, वो 11:12 में वो कहते हैं पिता परमेश्वर इन्हें अपने नाम के द्वारा बचा के रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर के नाम के बिना और कोई प्रोटेक्शन किसी के लिए हो ही नहीं सकती, उसके नाम के बिना प्रोटेक्शन ही नहीं है। चौथी चीज मांगते चेलों के लिए, वो फिर जस्टिफाई करते हैं इस प्रेयर को, वो कहते हैं कि मेरा जो आनंद है इनमें पूरा हो, और फिर कहते हैं इन्हें डेविल से शैतान से बचा के रखना, मेरा आनंद जो है इनमें पूरा हो। मेरा आनंद क्या है कि विश्वास में जले आपको जाने अनंत काल का जीवन पाए। पांचवी प्रार्थना वो करते हैं, पांचवा इसमें करते हैं, वो चेलों के लिए दूसरी रिक्वेस्ट है। पहला तो उन्होंने मांगा इन्हें बचाना। 17:19 वो कहते हैं सेंटिफाई देम, इन्हें अलग करो अपने लिए, आपका जो सच्चाई है जो आपका वचन है उसके द्वारा इन्हें सेंटिफाई करो। जो ग्रेट कमीशन हमें दिया गया मत्ती के आखिरी आयत में कि पिता जिस प्रकार आपने मुझे भेजा था इसी प्रकार मैं इन्हें भेजता हूं। आपने मुझे भेजा था अधिकार पावर अथॉरिटी के साथ, वचन की पावर वचन की शक्ति, मैंने भी इन्हें ये वचन दे दिया है और उसे वचन की शक्ति में मैंने भेजता हूं। 20 आयत से आगे फिर प्रभु यीशु अपना प्यार जाहिर करते हैं और फिर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो आगे विश्वासी बनते हैं 2000 साल में जो बने और जो आगे बनते जाएंगे उनके आने पर, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी दिनों की जो अशांति टर्बुलेंस जो आने वाली है और ये उनके जाने के बाद जो टर्बुलेंस शुरू हो जाती है चलती रहती है, ये चलती रह, अभी भी चल रही है। 21 आयत में वो पहली रिक्वेस्ट मांगते हैं कि इनमें एकता बनी रहे, जो उस समय के 11 चेले उनमें भी और बाकी जो विश्वासी उन सब में भी एकता बनी रहे, एक मत से विश्वास में बने रहे। दूसरा वो मांगते हैं पूरे चर्च के लिए महिमा। 22 आयत में वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके बल में जो वो काम करते हैं ये भी करें, उनकी जो लीडरशिप है उसमें आगे बढ़ें। और फिर वो मांगते हैं पूरे विश्वासियों का प्रिजर्वेशन, उन्हें संभाले रखना। परमेश्वर की महिमा जाहिर होती है,
और उनकी जो रोशनी, उनकी हजूरी जो हमारे साथ है, उनकी जो नेचर है जो हमारे भीतर आ जाती है, जो कि हम समझ पाते हैं डिसर्नमेंट के द्वारा, तो फिर उसमें हम आनंदित होते हैं। तीसरा वो कहते हैं कि जो उनके ये एकता का जो बेस क्या होना चाहिए, कि उनकी एकता प्यार में हो, प्यार के अनुसार हो, किसी और तरह से नहीं। 23वीं आयत में वो कहते हैं चर्च की जो यूनिटी है वो प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हो, ताकि ये भी वो प्यार जो पिता का है ये भी उसे महसूस करे, उसमें रहे। पिता का प्यार किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। और जो फिर हम वो प्यार पाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के हमारे भीतर आने के साथ। चौथी वो मांगते हैं कि जो ये एकता है चेलों में और उनमें खुद में, चेले और हम एक हो जाते, चेले और प्रभु यीशु एक हो जाते हैं, वो ये कहते हैं। 24वीं आयत में कहते हैं कि वो उनके साथ वहां पर हों जहां पर वो हैं, ताकि वो उनकी अनंत काल की महिमा देखें। और वहां पर है डिजायर, मेरी ये इच्छा है, उनकी इच्छा है, लॉन्गिंग है कि मेरे जो लोग हैं उनके साथ स्वर्ग में इकट्ठे हों, जो यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में उन्होंने कहा था, मैं जाता हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। 5वां फिर वो कहते हैं कि मैं अपने लोगों के साथ रहूं जहां ये लोग मेरे साथ हों, जहां मैं हूं। इस प्रार्थना का जो सबसे बड़ा एक और पॉइंट है कि दे मे बी विद मी वेयर आई एम, अभी वो स्वर्ग में गए नहीं हैं, पर लेकिन वो घोषणा कर देते हैं कि जहां पर वो हैं, क्योंकि वो मानते हैं वहां उन्होंने चले जाना है, जहां उन्होंने पिता परमेश्वर के दाहिनी तरफ पूरे अधिकार के साथ बैठना है, जो एफसियों 1:3 आए और 2:6 में पौलुस रसूल कहते हैं, यही कहते हैं वो कि हमारा उनके साथ एकता में हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया है और हमें हर तरह की आत्मिक आशीषें मिल चुकी हैं। 5वीं फिर एक फाइनल डेक्लरेशन है, जीत की डेक्लरेशन, 25वीं 26वीं आयत में वो कहते हैं मैंने आपका नाम इन्हें बता दिया, डिक्लेयर कर दिया है। इसी प्रार्थना से गेत्समनी पार्क की प्रेयर निकलती है कि और उसी के जो तुम आपकी इच्छा पूरी हो, वही निकलता है फिर जो उनको प्रोसिक्यूट करने वाले हैं, यहूदी लोगों के सामने साइलेंट है, जिस प्रकार एक भेड़ शीप इज साइलेंट बिफोर इट्स शेयरर्स, जो यशायाह नबी ने 53:7 में कहा था, अपने मुंह नहीं उन्होंने खोला, अपने आप को डिफेंड नहीं करते हैं, उसी से निकलता है। उनका जो चुप रहना है वो पिता को महिमा और ज्यादा देता है। 19:7-8 पायलट डर जाता है। 15:39 में जो सेंचुरियन था वो कह देता सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। पिता का नाम जो गैब्रियल एंजल मरियम को सुनाता है, वही फिर नाम क्रूसिफिक्शन के समय पर महिमा पाता है, जी उठने के समय पर उनका उठाया जाना, स्वर्ग में महिमा पाना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ होता है। और यही मैसेज फिर वो गॉस्पल के द्वारा हमें देते हैं और हम फिर ये आगे लेके जाते हैं। यही प्रभु यीशु की प्रार्थना का सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हमारे प्रेयर्स में हमें किस तरह सब कुछ मांगना चाहिए कि हम परमेश्वर से उत्तर पाएं? धरती पर प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री जो 3.5 साल वो करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो ये है कि हर पल वो पिता परमेश्वर पर निर्भर हैं। योहन्ना 5:30 में वो कह देते हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ जैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं करता, अपने भेजने वाले की इच्छा करता हूँ। जब वो प्रार्थना करते हैं महिमा मांग, ग्लोरी महिमा मांगते अपने लिए, ताकि पिता की महिमा हो स्वर्ग में, अपने लिए कुछ नहीं मांगते वो। दूसरा उनकी जो मिनिस्ट्री है स्वर्ग में है, वहां क्या है? रोमियो 8:34 में लिखा है परमेश्वर के दहनी ओर हैं और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं, बल शक्ति से अथॉरिटी से भरे हुए हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं वो। ये दो चीजें हैं उनकी मिनिस्ट्री धरती पर और वहां पर। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, जो तीसरे होली ट्रिनिटी का हिस्सा हैं, वो भी यही करते हैं, अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं करते, विश्वासियों की सहायता करते हैं, हेल्पर हैं वो, प्रभु यीशु के वचनों को याद कराते हैं, वही हमें सिखाते हैं। जब से सब कुछ बनाया गया धरती पर,
पहली ही आयत में लिखा है वो पानियों पर मंडरा रहे थे, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन नहीं आता है वो कुछ करते नहीं है, और यही आज भी होता है। यूहन्ना 14:13 में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना कंडीशनल है इसी बात पर कि पिता पुत्र में महिमा पाए। वो कहते हैं मैं सब कुछ कर दूंगा ताकि पिता की महिमा हो। पहला जो पार्ट है हमारी प्रार्थनाओं का वो पिता को महिमा देने का हो, और दूसरा ये हो कि हम दूसरों के लिए इंटरसेशन करें, दूसरों के लिए मध्यस्थ बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो तकलीफ में हैं और जिन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है। उसके बाद ही हम अपने लिए कुछ मांगे ताकि हमारी जो जरूरतें वो भी पूरी हों। प्रभु यीशु ने जो मांगा उसके लिए पहले अकाउंट कर दिया, जो मुझे जो पहले दिया गया था वो मैंने ये कर दिया है। हर एक प्रार्थना के साथ उनकी जस्टिफिकेशन है कि ये मैं क्यों मांग रहा हूं, और पूरी प्रार्थना में बेसिक जो थ्रेड है, जो बेसिक चल रहा है वो ये है कि पिता की स्वर्ग में महिमा हो। हम अपनी प्रार्थना का उत्तर तो चाहते हैं लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, हम उसका अकाउंट नहीं देना चाहते। जो मुझे दिया गया था वो मैं क्या करूं। जो तोड़ों का दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, वो प्रभु यीशु अपने ऊपर जाहिर करते हैं प्रार्थना में, और हमें भी ये करना है। याकूब की पुस्तक 4:3 उसकी 2-3 आयत में हम देखते हैं जो पहला चर्च था यरूशलेम में, उसमें अपोस्तल जेम्स थे प्रभु यीशु के भाई, वो कहते हैं तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास पर उड़ा दो। अपने लिए मांगते हो, किसी दूसरे की भलाई के लिए नहीं, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले सब कुछ उसकी जरूरतों के लिए बना दिया, फिर कह दिया हाँ अच्छा है, इंस्पेक्ट किया हर दिन, देखा अच्छा है, क्योंकि वो सब कुछ वहां था ताकि इंसान की जरूरतें पूरी हों और फिर उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करे। ड्यूटरोनॉमी 28:1 पहली 14 में जो आशीषें लिखी गई हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, उसके बाद में 15 से लेकर तकरीबन 50 हैं जिसमें श्राप लिखे गए हैं उनके लिए जो आज्ञा नहीं मांगते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को श्राप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं पूरी आज्ञाकारिता में चलें। कौन है ऐसा जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है उसे कुछ आशीष देना चाहे, परमेश्वर भी चाहते हैं हम उनकी आज्ञाकारिता में चलें। यूहन्ना 17:24 में प्रभु यीशु ने विश्वासियों के लिए कहा कि ये वहां पर हो जहां मैं हूं ताकि वो मेरी महिमा देखें जो आपने मुझे दी है। उन्हें महिमा वो दी जानी है स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में, अभी उनका स्लीप पर अभी नहीं गए हैं, वो जी उठना भी होना है, लेकिन वो ये मानते हैं कि मेरी प्रार्थना मान ली गई है। यकूब की पुस्तक 1:6-7 में प्रार्थना का क्या है, वो कहते हैं प्रार्थना मांगो और फिर ये मान लो कि तुम्हें मिल गया है, क्योंकि जो शक करता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीर्य उत्पन्न होता है। वो कहते हैं विश्वास में ये मान लो कि जो तुमने मांगा है वो मिल गया है। जो शक करता है वो समुद्र की लहर के मुताबिक है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, चलो परमेश्वर से प्रार्थना कर दी, एक पास्टर से प्रार्थना कराई, किसी दूसरे को भी बोलते हैं इससे भी करा लें प्रार्थना, तीसरे से भी करा लें। मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई जिसमें शुभ संदेश चैनल पर जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सबके एड्रेस डालकर एक इकट्ठा एक जनरल अपील डाल दी गई। ऐसी प्रार्थना को तो जो पढ़ते हैं वो भी शायद प्रार्थना ना करते हो, हमने प्रार्थना कर दी लेकिन इसका मतलब है उसे विश्वास नहीं है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को उत्तर कम ही देते हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना बिल्कुल स्पेसिफिक है और कोई भी पॉइंट उसमें जहां खास जरूरत है उसे वो दोबारा दो बार बोलते हैं। जो स्पेसिफिक है उसका मतलब ये है कि हमारे मन में क्लियर है हमें क्या चाहिए, हम अपनी जो इच्छाएं जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी तरह डिफाइन करते हैं और फिर हम जो उनके साथ नजदीकी है उनके ऊपर हमारी निर्भरता है हम उसके ऊपर एम्फेसिस देते हैं, उसके ऊपर हम जोर डालते हैं। और फिर जो हमारी स्पेसिफिक प्रेयर है
वो हमें अलर्ट रखती आंसर्स के लिए भी, हमें पता है हमने ये मांगा था इसको उत्तर मिला या नहीं मिला। और फिर जो स्पेसिफिक प्रार्थना है हमारे विश्वास को भी बढ़ाती है। मार्कुस 10 का 51 आयत हम उसमें देखें, मार्कुस 10 में प्रभु यीशु यरीहो जा रहे हैं और यरीहो के रास्ते में बार्तिमाई अंधा है जन्म से जो बेगर है, और फिर 51 आयत में वो प्रभु यीशु के सामने बुलाया जाता है। उनका सवाल है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो सवाल पूछ लेते हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अगर वो आपके सामने इस समय आकर बैठ जाए और कहें तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, क्या हम तैयार हैं उसको उत्तर देने के लिए? क्या हम बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 मुझे ये चीजें चाहिए? बार्तिमाई बिल्कुल क्लियर था, बार्तिमाई का उत्तर क्या है? वो कहता है, हे रबी, ये कि मैं देख सकूं, बस मेरी नजर मुझे दे दे, मैं तुझे देख सकूं, इस दुनिया को देख सकूं। जहां पर परमेश्वर को हम वेरियस ऑप्शन देने लग जाते हैं, प्रभु ये नहीं तो चलो ये कर दो, ये नहीं तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब है कि हम एक आंख पर पट्टी बांधकर तीर चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देते। प्रभु यीशु ने बिल्कुल क्लियर डिफाइंड टर्म्स में कहा है, हम उनके द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा छुटकारा पाया हमने, उनकी दया उनके अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया गया है। फिर भी हम अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मत्ती 6:9-13 में जो प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई बड़ी क्लियर है। वो कहते हैं इस प्रकार, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पहले वो कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलोड बी योर नेम। फिर आखिर में है, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, सब कुछ तेरा ही है, तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरा ही नाम महिमा पाए। ये प्रार्थना है वो हमें सिखाई उन्होंने। जब हम प्रभु यीशु की तरह इस प्रकार प्रार्थना करने लग जाते हैं फिर हमें याद रहता है और फिर यही हमारे मन में बैठ जाता है सदा के लिए, और फिर इसके अनुसार अपना जीवन जीने लग जाते हैं। हम फिर हर काम में उन्हें ही महिमा देना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हम ऐसी आशीषों के लिए। प्रभु यीशु, आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। बस यही होता रहे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि हम आपकी अगुवाई में पिता से जुड़ सकें, प्रभु यीशु के नाम में जुड़ सकें, ताकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिले। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। यूहन्ना रसूल ने अपने द्वारा लिखी इंजील में 5 बार कहा, वो चेला जिसे प्रभु यीशु प्यार करते थे। ये तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्यार है और हमसे प्यार करते हैं। बस इसी विश्वास से भरे हुए ही हम उनसे उत्तर पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु ने किया। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, शालोम।